आई थिंक वर्दी एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी हो, चाहे वो गार्ड की यूनिफॉर्म हो, चाहे वो देश पे खड़े हुए, देश की सरहद पे खड़े हुए जवान की हो, वर्दी इन इट सेल्फ गिव्स यू अ लॉट ऑफ लेवल ऑफ प्राइड। मैं तो जितने भी अपने दोस्तों से मिली हूँ सब कहते हैं कि मैं ये नहीं करता तो मैं आर्मी में जाना चाहता था या जाना चाहती थी। तो आई थिंक समवेयर नॉट एग्जैक्टली बट सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है, और दूसरा कि वो एक बहुत स्पॉइल्ड बैकग्राउंड से है, ये स्पॉइल्ड बैकग्राउंड से नहीं है, इनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई। बट इस शो में ये नहीं है कि ट्रेनर्स की उम्र ट्रेनी से ज़्यादा है या कुछ। मुझे तो जिद थी कि मैं ये शो करूं और मैं कर रही हूं, तो पहली जिद तो मेरी वो पूरी हो गई। और दूसरी जिद डॉक्टर मोनामी की ये है कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहती है। वो बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आती है तो सबको ऐसा लगता है कि इसको तो सब कुछ इतनी आसानी से मिल गया है, प्रूव करना चाहती है। वो प्रूव करना चाहती है कि वो हार्डी है, वो अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर सकती है। और दूसरा इज्जत उनकी ये है कि वो मैक्सिमम लोगों को सर्व करना चाहती है एज अ डॉक्टर। और हाँ, मेरी जिद तो एक्टर बनना थी यार, अच्छा काफ़ी साल पहले, वो अभी तक है तो चल रही है। और हाँ, दूसरा कि मैं हर बार इसी जिद पे अड़ा होता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा काम करना है, मुझे चाहिए कि ये शो बहुत बड़ा हिट हो, कि लोग बहुत सारा प्यार करें। आई थिंक वही हो रहा है, सो दैट्स व्हाट आई रियली वांट। सिक्योरिटी फीलिंग भी आती है जब आप लोग शूट करते हो, बट एक्चुअली रिस्पांसिबिलिटी वी आर नॉट रियली रिप्रेजेंटिंग द आर्म फोर्सेस, वी हैव अ लिंक टू इट बट यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द आर्म फोर्स। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक वर्दी एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी हो, चाहे वो गार्ड की यूनिफॉर्म हो, चाहे वो देश पे खड़े हुए, देश की सरहद पे खड़े हुए जवान की, worthy in itself gives you a lot of level of pride and patriotism. So I think wo basis pe aaj bhi jab hamari ek special ceremonial uniform hai, jab main wo pehnta hu to uff, wo feeling unbelievable. Ditto. I think har main to jitne bhi apne doston se mili hu sab kehte hai ki main ye nahi karta to main army mein jana chahta tha ya jana chahti thi. So I think somewhere not exactly but वो feel और वो life कहीं जीने का मौका मिल रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है। Choose the army chooses you. So the army didn't choose. army तो नहीं exactly but हाँ government services में I wanted to go so I had given exams for that. विशाली आपसे जानना चाहूँगी काबिल इतनी और इतनी जो role जो play कर रहे हैं मनामी आई थिंक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों बहुत काइंड है, दोनों बहुत वार्म हार्टेड है, दोनों सेल्फलेस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है, और दूसरा कि वो एक बहुत स्पॉइल्ड बैकग्राउंड से है, ये स्पॉइल्ड बैकग्राउंड से नहीं है, इनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई। और बस ज़िद को अगर देखें, अगर मद्देनज़र रखते हुए देखें तो दोनों ही बहुत ही ज़िद्दी हैं। शालीन भी उनको भी ज़िद है कि उनको अपने सीन्स और जो क्वालिटी है उसमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, तो इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। इवन करण शेरगिल इज़ लाइक दैट कि उनको काम में और यू नो ट्रेनिंग में ज़रा सा भी कोई ढीला नहीं दिखना चाहिए, देश के लिए एकदम सब चीज़ परफेक्ट चाहते, सारे ट्रेनर्स बिल्कुल अप टू द मार्क हैं। और दूसरी डिफरेंस अगर देखें तो खड़ूस शेरगिल जैसा कि मैं बुलाती हूँ वो बहुत ही खड़ूस है, बट इन रियल लाइफ ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी जेंटल एंड वेरी फन लविंग सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। आप में या मतलब मैं सीन्स करती हूँ इतने सारे यंगस्टर्स के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है इवन यंगस्टर्स तुम बुजुर्ग हो गए हो। हाँ मतलब सब कोई सारे यंग यूथ मतलब ऐसा फील आता है कि यू नो लाइक वी आर बैक इन कॉलेज डेज, और इवन व्हेन वी आर चिलिंग नॉट शूटिंग तब भी। हाँ जब वी आर चिलिंग व्हेन यू आर नॉट शूटिंग तब मुझे फील आता है। हाँ अदरवाइज मुझे फील आ नहीं सकता ना क्योंकि मैं तो ट्रेन कर रहा हूँ। बट इस शो में ये नहीं है कि ट्रेनर्स की उम्र ट्रेनी से ज्यादा है या कुछ, ये शो का फॉर्मेट ये है कि जो आए हैं वो बच्चे नहीं है, वो आप ही की उम्र के हैं पर वो सिविलियंस हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग सिविलियंस हैं, आप ट्रेंड हो, तो ऐसा नहीं है कि वो 18-19 साल के हैं आप 30 साल के नहीं, वो सब हम उम्र हैं, लेकिन वो सिविलियंस रह गए आप ट्रेंड हो। तो
ये है शो का बेसिक प्रिमाइस जो बहुत शो से अलग है. वैसे भी बनता है बिकॉज करण शेरगिल एंड मोनामी आर लाइक दैट, तो वो सही बैठता है. बहुत सारा रोमांस देखने को मिलेगा, बहुत सारा. नहीं नहीं काफी अच्छा वाला, काफी अच्छा वाला. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जोड़ी आप पर हावी होगी, इनका इनकी कहानी आप पर हावी होगी, इनके इमोशंस आप पर हावी होंगे, पर वो उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा.